इस बार सूखी लाल मिर्च के भाव में काफी बढ़त देखने को मिल रही है। इस बार मिर्च की फसल में कीड़े लगने व मध्य प्रदेश में अधिक बारिश के कारण मिर्च का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण बाजार में उपलब्धता कम होने के कारण सूखी लाल मिर्च का भाव तेज हो गया है। मिर्च मंडी व्यापारी महेश जागेटिया ने लोकवाणी को बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मिर्च के भाव दुगने हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से जो देसी मिर्च आती थी, जिसे राजस्थान में बहुत पसंद की जाती है, जिसकी पैदावार 20% ही हुई है, धामनौर, बहेरिया, इंदौर, मनावा आदि क्षेत्रों में पानी गिरने से फसल खराब हो चुकी है और मिर्ची के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। अभी 400 रुपए प्रति किलो के भाव से मिर्ची बिक रही है, फिर भी ग्राहकों को जो क्वालिटी चाहिए वह नहीं मिल रही है। भावों में और भी तेजी हो सकती है। जागेटिया ने कहा कि इस समय भावों में गिरावट होनी चाहिए थी, पर इसके उल्टे और भाव बढ़ गए हैं और व्यापार मंदा हो गया है। अभी जो मिर्च के भाव चल रहे हैं वो अब तक के सर्वोच्च शिखर पर है। इतनी महंगी मिर्च कभी नहीं बिकी है। रेटों में गिरावट के बारे में जागेटिया ने कहा कि अगले महीने आंध्र प्रदेश के गुंटूर से नई पैदावार आने के बाद ही रेटों में कमी भी संभव हो पाएगी। भीलवाड़ा मिर्च मंडी से लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेले की यह रिपोर्ट। मिर्ची में बढ़ती महंगाई के कारण अब आम आदमी की थाली से चटनी भी गायब होती दिखाई दे रही है। मिर्ची के व्यापारियों से जिस प्रकार हमने चर्चा की, उन्होंने बताया कि मिर्ची अब तक के सर्वोच्च शिखर पे है, महंगाई पर है। इस बार जो मंडी के अंदर जो मध्य प्रदेश और जो गुंटूर का जो माल आता है वो नहीं आने की वजह से मिर्च मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो मिर्ची गत वर्ष 150 रुपए तक सर्वोच्च बिकी थी, इस बार करीब 400 रुपए किलो तक इसकी रेट पहुंच चुकी है। और जो मध्य प्रदेश से जो मिर्ची आती है उसकी सप्लाई नहीं होने की वजह से यहाँ पर इस मुख्य कारण ये मिर्ची की जो महंगाई इसका कारण माना जा रहा है। अभी हमारे साथ जो मिर्ची के व्यापारी हैं जागेटिया जी, ये हमारे पास मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, जो मिर्ची की जो रेटें बढ़ रही है इसके पीछे क्या कारण है? सर, मिर्ची का प्रोडक्शन कम है। सबसे बड़ा राजस्थान के हथियार है मध्य प्रदेश। हथियार का तात्पर्य है वो आगे प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे मिलता था पहले। अभी मिर्ची 10 साल से कम डाउन चल रही है, हर साल डाउन होती जा रही है मिर्ची, हर साल डाउन प्रोडक्शन डाउन होता जा रहा है उसका। किसान भी वहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, मैं हर साल जाता हूँ वहाँ पे मध्य प्रदेश में, हर बेल्ट में घूम के आता हूँ, लेकिन रीजन ये देखा पूरे खेत से खेत खाली है। मध्य प्रदेश के किसानों ने बागवानी चालू कर दी, बागवानी में कोई उनको नुकसान नहीं हो रहा है, मिर्ची पे ध्यान नहीं दे रहे वो लोग। उसका मेन रीजन ही यही है कि मिर्ची अगर दी प्रोडक्शन देवे तो किसान वापिस जागरूक हो जाए, लेकिन किसानों को नुकसान पे नुकसान नुकसान पे नुकसान लग रहा है, इस वजह से वो मिर्ची में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर होलसेल की बात करें जी, तो अभी मंडी में क्या रेट चल रही है? अभी इस टाइम पर मिर्ची मंडी में पिछले साल के वनस्पत जस्ट डबल भाव है, जो 125 से लेके 150 रुपये ऊपर में 170-180 रुपये तक बिकी थी पिछले साल, वो मिर्ची इस बार 300 रुपये से लेके 420-430 रुपये तक बिक रही है। मिर्ची के अंदर जो बीज टूटी हुई आती है सबसे बेस्ट अपने राजस्थान वालों के खाने के लिए, उस मिर्ची का तो भाव 450 रुपये मान के चलो आप, नीचे में 350 ऊपर में 450 रुपये। क्या कारण डाउन होगा या क्या लग रहा है आपको? ये इस टाइम पे पीक समय है मिर्ची आने का, इस टाइम पे बाजार डाउन होने चाहिए, वो डाउन नहीं हो रहे हैं, बाजार तेज पे तेज होए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान की जो मिर्ची का प्रोडक्शन है वो पाइपलाइन पूरी खाली है। पाइपलाइन का तात्पर्य हर व्यापारी खाली बैठा हुआ, मिर्ची नहीं है, वो सब आस करके बैठे हुए हैं कि बाजार डाउन होगा तो अपन मिर्ची लेंगे, लेकिन बाजार और तेज होने से सब व्यापारी के में घबराहट फैल गई। भीलवाड़ा की जो मिर्च मंडी है यहाँ पर कहाँ से माल आप परचेज करते हैं? कहाँ से बिकने किसान का माल आता है अपनी मंडियों में? मध्य प्रदेश के किसान भी यहाँ भीलवाड़ा मंडी में लाके बेचते, पूरा पैसा मिलता था उनको, वो भी प्रोडक्शन ही नहीं है बिल्कुल भी, वो तो वो बिल्कुल आना बंद हो गए। अब आंध्र प्रदेश की पार्टियों के द्वारा माल आ रहा है। देश में कहाँ कहाँ मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है या जहाँ से अगर देखा जाए तो सप्लाई होती है? देश में तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, उसके बाद में आ गया गुजरात, गोंडल, राजकोट, इन बेल्टों में माल है, तो वो भी देसी माल बाजार डाउन नहीं कर रहे किसान, वहाँ के यहाँ के भाव सुनने के बाद में उन लोगों ने भी भाव मजबूत कर लिए कि भाई इससे कम नहीं देनी।
अभी जैसे एमपी का सीजन चल रहा है, इसके बाद में दूसरे स्टेट का माल कब बिकने के लिए आता है मंडियों में? बस ये एक महीने बाद में गंठौर भी चालू हो जाएगी और गोंडल भी चालू हो जाएगी गुजरात की। उम्मीद कर सकते हैं एक महीने बाद शायद डाउनफॉल आ जाए? कोई चांस नहीं है। कारण? कारण यही है, सब खाली बैठे हुए हैं, माल सबको जरूरत है। मिर्ची मिनिमम पाउडर बिकना चाहिए मिर्ची का 450 रुपये, 400 रुपये से 450 रुपये तक जो पाउडर मिल रहा है वो प्योर ओरिजिनल है। कितने साल से आप व्यापार कर रहे हैं मिर्ची का यहाँ पे? मेरे को करीब जन्म ही मेरा मिर्चियों में ही हुआ है, मतलब 40 से 45 साल। हाँ, जो रेट चल रही है क्या अब तक की सबसे ज्यादा है? मेरे जीवन के सबसे महंगे भाव मैंने इसी साल देखे हैं मेरे जीवन के अंदर। 55 साल की उम्र है, इस उम्र में मैं पहली बार ये भाव देख रहा हूँ। कौन कौन सी क्वालिटी की मिर्चियाँ बिलोड़े में या आसपास क्षेत्र में बिकती? पूरे पूरे सभी वैरायटी बिकती है। जैसे अगर एक दो की जैसे नाम बताना चाहे तो? एक तो ठंडी मिर्च के अंदर, जैसे ठंडी मिर्च में सेजेंडा आती है, 720 आती है मोटे माल में, बड़े आती है। और जो तीखी में आती है वो तेजा, जो गंठौर से आती है, 12 नंबर जो उसको बोलते हैं वो भी मध्य प्रदेश से आती है। आर्मर क्वालिटी, आर्मर गंठौर से आती है, वो भी तीखे में। और बाकी मोटे माल तो आपको मध्य प्रदेश आंध्रा में भी प्रोडक्शन मिल रहा है इसका, वो भी अपने को इजाफा है। वहाँ पे बोलते उसको लाली, और यूएस का माल आता है, बढ़िया माल आता है, उसके बाजार भी तेज है। क्या बाहर से जिस पर रेट तेज है तो क्या बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? आयात, बाहर से ये प्रोडक्शन नहीं है, आयात असंभव, क्यों जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड के किसी देश के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से भारत ही भारत पर निर्भर है। बिल्कुल। तो ये थे मिर्ची के व्यापारी जागीटे जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो मिर्ची का जो मूल्य है इनके जीवन काल के सर्वोच्च शिखर पर, क्यों इनका कहना है कि ये करीब इनके पूरा परिवार के साथ ये भी करीब 40 से 45 साल हो गए मिर्ची का व्यापार करते हुए, लेकिन इस बार जो मिर्ची में तेजी है इन्होंने अपने जीवन काल में भी नहीं देखी। साथ ही इनका कहना है कि एमपी के अंदर पौधे में वायरस लगने और अधिक बारिश के वजह से जो महाराष्ट्र के साथ ही जो एमपी का जो एरिया है वहाँ पर जो मिर्ची की फसल होती है वो पूरी तरह खराब होने की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ, और जो सप्लाई चेन होती है ये भी पूरी तरह से बाधित हुई है, कोल्ड स्टोरेज में माल नहीं है। और देखा जाए तो इस ये वजह है क्योंकि इनका कहना है कि ये जो सीजन चल रहा है नवंबर दिसंबर, इसके अंदर मिर्ची सबसे ज़्यादा किसान बेचने के लिए आते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से जो ये जिसका इनका कहना है कि 400 रुपये के करीब जो मिर्ची बिक रही है, इसलिए किसानों के पास माल नहीं होने से ये जो कृषि मंडी या जो मिर्च मंडी है यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद।